साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। बढ़ते हैं आज की एक अहम खबर की ओर। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में ओपीडी पूरी तरह से बंद हो गई है। पर्चा काउंटर पर लोग इलाज के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। आपको बता दें कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे हड़ताल बुलाई है। आपको बता दें डॉक्टरों द्वारा आहूत 24 घंटे का राष्ट्रव्यापी काम बंद है और विरोध प्रदर्शन शनिवार सुबह से शुरू हो गया। पर्चा बन रहा है? नहीं, पर्चा नहीं बन रहा है। कहाँ से आप आई हैं? अच्छा, तो परेशानी का सामना करना पड़ा है? अच्छा, क्या किसको दिखाना था? पर्चा बन रहा है? पर्चा आज का नहीं बन रहा है, पुराना पर्चा। पुराना पर्चा, पर्चा नहीं बन रहा है। डॉक्टर बैठे हैं, दिखाया नहीं दिखाया? डॉक्टर साहब नहीं बैठे, बाकी डॉक्टर साहब नहीं बैठे, देख नहीं पाए मरीज को। बता दें कि सिविल अस्पताल में भी यहाँ पर डॉक्टरों की हड़ताल देखी जा सकती है। सिविल अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा है इलाज, जो अभी आपने जिस तरह से देखा सिविल अस्पताल की ओपीडी पूरी तरह यहाँ पर बंद हुई। डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही। आपको बता दें डॉक्टरों की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल जारी है। सभी अस्पतालों में बंद रहेगी ऑपरेशन और ओपीडी सेवाएं। कोलकाता के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर महिला की हत्या और बलात्कार के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आज देश भर में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में 24 घंटे हड़ताल बुलाई है। डॉक्टरों द्वारा आहूत 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी काम बंद है और विरोध प्रदर्शन शनिवार सुबह से ही शुरू हो चुका है। मेडिकल बॉडी ने एक बयान में यह भी कहा कि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और कैजुअल्टी वार्ड चालू रहेंगे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट काम नहीं करेंगे, वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद उवैस लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उवैस, जिस तरह से लगातार धरना प्रदर्शन डॉक्टर्स का जारी है, जूनियर डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सब एकजुट हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या है अभी के ताजा अपडेट्स? JGMU में जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो लगातार धरने पे हैं और तमाम जो डॉक्टर्स हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही डॉक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर सुबह से ही जितने भी डॉक्टर हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अपनी इनकी जो मांगे हैं उनको लेकर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो आप कहीं पर देख सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं लगातार अभी धरने पर हैं, सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर। रेसिडेंट डॉक्टर है, जो महिलाएं रेसिडेंट रहती हैं उनको उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके से ये डॉक्टर हैं लगातार धरने पर बैठे हैं। आप सब देख सकते हैं जी, जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स धरने पर हैं, जाहिर तौर पर यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रभावित होती नजर आ रही है स्वास्थ्य सेवाएं, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन रोक दिए गए हैं, बहुत सारी इलाज और ओपीडी यहाँ पर कह सकते हैं कि बंद है, तो क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए आज जो है नए पर्चे नहीं बन रहे हैं, ओपीडी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ठप है और जो पुराने पर्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इमरजेंसी है, इमरजेंसी खुली हुई है। डॉक्टरों का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से जो इमरजेंसी में मरीज हैं उनको समस्या का सामना नहीं करने देना देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, उनको अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी चीजें पूरी नहीं हुई हैं, और जब उनको लगेगा जब इनकी मांगे पूरी हो जाएंगी जिस तरीके से डॉक्टर धरने पर बैठे हैं, तो तब हो सकता है कि ये सारी चीजें खुल जाए और रिलीज हो जाए। जी,
मोहम्मद वैस, अगर हम बात करें इनके मांगों को तो डॉक्टर्स की क्या कुछ मांगे अहम है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। हम डॉक्टर से ही पूछेंगे, मैं अभी जी बिल्कुल की क्या मांगे हैं, किस तरीके से ये यहाँ पर बैठे हैं। मैम क्या मांगे हैं आप? ओके, ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर है, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से हम बात वो बताएंगे डॉक्टर अभी बैठे न हैं, इनसे ही पूछेंगे क्या कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर, साफ तौर पर ये कहना था कि डॉक्टर को जो है वो है यहाँ पर इनसे जो है लागू होना है, और तमाम जो और भी डॉक्टर हैं मैं उनसे भी बात करूंगा कि अभी आज जो है रक्षाबंधन काला रक्षाबंधन काला पीता बांध करके विरोध जता रहे हैं तमाम जो डॉक्टर हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये राखी बांध रही हैं और ये ब्लैक रिबन है, काला रक्षाबंधन के तौर पर यहाँ पर ये विरोध जता रही है डॉक्टर हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या आगे इनका क्या स्टेप होगा, क्या मैम क्या तब तक ये प्रोटेक्ट चलेगा, आज रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन काल है, कल रक्षाबंधन है, ब्लैक रिबन बांध कर आप जो है विरोध जता रहे हैं, क्या कुछ है? हमारी तरफ से विरोध जताने का तरीका यही है कि जब हमारे जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हमारी बहनें उम्मीद करती हैं कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, पर हम एक तरह से असफल हैं, जिनको प्रोवाइड कराना चाहिए वो नहीं करा पा रहे हैं, हम अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर ले सब असफल है, बट यही हमारा विरोध जताने का तरीका है। ये ब्लैक रखा था, कब तक चलेगा? जब तक इंसाफ अभी हमारे जो हम लोग सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं जब तक मांगे हमारी है कि सभी डॉक्टर को सेफ्टी इंश्योर हो कि इस तरह का भयात इंसिडेंट दोबारा कभी रिपीट ना हो, और जो ऑफेंडर है वो हजार बार उसको रिपीट करने के बारे में भी सोचे, इसलिए और हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो ताकि हर डॉक्टर अपनी वर्क प्लेस पर सेफ महसूस करे, सेफ फील करे, बस यही है। तो ये है सेंट्रल डॉक्टर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इनकी मांग है ये स्ट्रॉन्ग हो, और जो जिस तरीके से जो कोलकाता में हुआ है आगे जो डॉक्टर हैं उनके साथ इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो इसको लेकर आज ब्लैक डे राखी जो है वो मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डॉक्टर ये लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, और जो जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनको वो अपनी मांगों को लेकर तमाम जो डॉक्टर हैं वो यहाँ पर KGNU में मौजूद है। जी जाना चाहेंगे जिस तरह से ये लोग 24 घंटे के लिए यहाँ पर धरने का ऐलान कर दिया गया है, और कल से ही लखनऊ के 1090 पर लगातार डॉक्टर्स यहाँ पर धरना दे रहे हैं, वहीं पर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं काफी तादाद में डॉक्टर्स हैं। क्या इनके पास कोई अधिकारी अभी तक आए बात करने के लिए? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि इनके साथ इनके जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं, नारे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे तस्वीर।
शांति, भाई कोर्ट की शांति, भाई कोर्ट की शांति, वी स्टैंड जस्टिस और इन लोगों ने बैनर लगाया जस्टिस के जी। मोहम्मद उवैस जी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जी आपको बता दें डॉक्टरों की 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल जारी है, सभी अस्पतालों में बंद रहेंगे अभी भी ऑपरेशन और ओपीडी सेवाएं। खबरों पर आगे भी बने रहेंगे, अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।